चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आपका सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 भाग 2 का पाठ है ना, ये संविधान का पाठ है। इसका पाठ है संविधान का। इसके पहले जो हिस्ट्री का भी टॉपिक था, इसमें जो 1773 से आपका 1947 तक हिस्ट्री का भी इसमें चैप्टर आता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। एक वीडियो डाला हूँ, उसमें आप देखे होंगे, उसमें है, ये शामिल है। तो इससे रिलेटेड ही है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, सेम रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा आपको कुछ हद तक, मतलब इसमें थोड़ा डिटेल में ज़्यादा मिलेगा उसके कंपैरिजन में जो हिस्ट्री के टॉपिक। तो हिस्ट्री में जो बता देता हूँ थोड़ा, हिस्ट्री क्या था, जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, वहाँ से जब अंग्रेजों द्वारा विजित किया गया वो एरिया को, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तो वहाँ से फिर कंपनी का जो एक प्रशासन के रूप में, मतलब यहाँ गवर्नर वहाँ से चालू हुआ बनने का, वहाँ से एक क्रम चालू हुआ 1757 से। वहीं आगे चलते चलते वारेन हेस्टिंग के समय एक कंपनी का शासन रहेगा। वारेन हेस्टिंग के समय 1773 से 1858 पूरा वारेन हेस्टिंग नहीं थे, अनेक जो ब्रिटिशर्स से उनके द्वारा जो गवर्नर थे शासन किया गया, और समय समय में उनके चेंजेस किए गए, सुधार किए गए बहुत सारे। फिर 1773 से 1858 तक जो संवैधानिक विकास हुआ, संविधान में जो बदलाव किए, उसमें सुधार किए, कोई कोई नया नीति लाया गया, कोई राजनीतिक या पॉलिटिशियन या जो प्रशासनिक रूप से जो बदलाव किए, वो सभी इसमें संवैधानिक विकास में आएंगे। ताज का शासन, जैसे कि इस पे ताज का शासन क्या है, 1858 से 1947। तो 1857 में शासन में, मतलब 1858 में इसमें क्या हुआ, जो कंपनी थी मतलब, तो उसके अधिकार में यहाँ से तक कंपनी का शासन, देखिए 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था। बाद में लगा कि नहीं, अब ये अधिकार हमारे पास लेना चाहिए, ब्रिटिश लोग को लगा, अंग्रेजों लोग को, तो सीधा डायरेक्ट ना लंदन से, वहाँ से मतलब क्या हुआ, प्रसार हुआ। क्या हुआ, वहाँ से प्रसार हो रहा था, मतलब प्रशासन वहाँ से चल रहा था, वहाँ की संसद से। तो ये था ताज का शासन, ब्रिटिशर्स के जो रानी थी या जो भी महारानी थी उनके द्वारा यह प्रशासन चलता था, संसद द्वारा। तो इसी को ही ताज का शासन जिसको बोला जाता है, डायरेक्ट वहाँ से प्रशासन होता था। तो 1947 तक लगभग ऐसे ही चला, 73 से तो कंपनी का शासन था। तो इन्हीं में जो बदलाव हुए, इसका हिस्ट्री में अभी पढ़े हैं इसको, आप इसको उसी से रिलेटेड ही समझें, उसमें ही आप जो बदलाव हुए उसी इसी में शामिल होंगे। अब इनमें जो मैं इसको मौखिक रूप में ज़्यादातर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है, मेंस लेवल के लिए है। आप लोग इसको बाकी बुक से आप पढ़ ले सकते हैं इसमें, और शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग रख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन वोश्चन आप 30 शब्द या 60 शब्द में रखिए, और उसको जाके मतलब 30 या 60 शब्द, 120 शब्द में आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए उसका। चलिए मैं बताता हूँ, कंपनी के शासन पहला है। कंपनी के शासन के अंतर्गत जो चला था उनके अंतर्गत में यही पहला पहला था 1773। अब इसमें हुआ क्या डायरेक्ट मैं बताऊंगा, हर चीज़ को अब लिखूंगा नहीं मैं, इसको समझिए। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक इसमें आएंगे अभी, ताज कंपनी के शासन में भी, ताज के शासन के अंदर में हर चीज़ को लिखूंगा, बहुत समय लगेगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है तो जान रहे हो, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो है, तो इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी थे जो, उनका जो कार्य थे, तो इसको लाया क्यों गया, ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मतलब यह था कि जो उन कंपनी का जो शासन था, कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, मतलब नियमित मतलब क्या, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलर, मतलब एक नियमित और रेगुलर बेसिस पे और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया है ना। पहला कदम था ये, पहली पहला जो मुन एक अधिनियम लाया, ये पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए इसको लाया गया। तो कंपनी के जो इसी टाइमिंग में जो कंपनी के जो कंपनी को क्या की मिली, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी जो चला रही है प्रशासन और उनके जो राजनीति के मामलों में मान्यता, उनको
राजनीतिक मामले थे जो भी होते थे, जो मुद्दे होते थे उनको क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। तो इनमें जो इन्हीं के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया, कहाँ आपका, जहाँ बंगाल में उस टाइम बंगाल क्षेत्र था, बाद में ये परिवर्तन हुआ, गवर्नर चेंज हुए, मतलब नाम परिवर्तन हुआ, जो विस्तार होते गया वेलेजली की सहायक संधि के तहत ब्रिटिशर्स की प्रसार हुआ, फिर उसके बाद जो डलहौजी की हड़प नीति के तहत विस्तार हुआ, काफ़ी विस्तार हुआ। ठीक है, और आगे इसमें को बताता हूँ इसमें के अधिनियम की विशेषताएँ क्या क्या है। इस अधिनियम में क्या किया गया इसमें का, पहला का देखिए इसमें का जो बता रहे थे, इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जो पहले बंगाल के गवर्नर बोला जाता था, किसको बोला जाता था, जो बंगाल के गवर्नर पहले बंगाल में शासन भी स्टार्ट हुआ वहीं से, फिर इसके बाद फिर इधर चेंज परिवर्तन होते गया, कहाँ से आपका ये बंगाल की, फिर आपका बाद में भारत में है, भारत का गवर्नर कहलाया। तो बंगाल के गवर्नर को क्या किया, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, इसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, गवर्नर इसका लास्ट में जनरल जोड़ गया सब। ठीक है, जनरल पद का नाम दे दी गई इसको, और इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया है। क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया उस टाइमिंग में। कार्यकारी परिषद में मतलब 4 लोग एक्स्ट्रा मतलब जुड़े गए इसमें, गठन किए गए। तो ये जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे इस टाइमिंग में, मतलब गवर्नर थे, पहले जो गवर्नर जनरल थे, मतलब पहले जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। और देखिए इसमें मतलब जिसके और बताता हूँ मैं इसमें का, जैसे कि नीचे की तरफ आएंगे ना तो आपका जो मद्रास एरिया बम्बई के गवर्नर है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मतलब जो मद्रास जो चेन्नई वाला इलाका और मुंबई आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तो ये जो मद्रास और बम्बई आपका किसके अंतर्गत में हो गए, बंगाल के अंतर्गत में हो गए। लेकिन जो प्रेसिडेंसियाँ थी जो गवर्नर के एक दूसरे से अलग थे, ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही था, जो उनका जो कार्य क्षेत्र था वो अलग अलग था। बम्बई अलग है इधर पश्चिम तरफ है, दक्षिण में आपका आपका जहाँ रहेंगे मद्रास है, पूर्वी साइड आपका कलकत्ता है, जो आपका जिसको बोला जाता है आपका बंगाल। तो कलकत्ता में उसी टाइमिंग में 1774 में इसको लिखा हूँ, बताया हूँ इसको मैं, और उसमें जो हिस्ट्री का जब पढ़ा रहा था उसमें कहा 1774 में, आपका एक वीडियो डाला है उसको देख लीजिए समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जिसमें जिसमें ना लगभग एक मुख्य न्यायाधीश, अभी आप स्पेलिंग में मत जाइए क्योंकि समय नहीं मेरे पास, बताओ सुधारने के लिए मैं जल्दी में लिख रहा हूँ इसको। 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे इनमें शामिल थे। ठीक है, तो इनमें जो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ इसमें का, जो 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट बना, इसके पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट के गठन नहीं होता। और कहाँ बना आपका, कलकत्ता में बना, कहाँ बना, कलकत्ता में इनके द्वारा बनाया गया। तो इसके तहत और भी जैसे कर्मचारियों थे है ना, जो व्यापारी, इसके तहत क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कर्मचारी थे उस टाइमिंग में, निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध करवा दिया गया। तो निजी व्यापारी लोग से क्या करते थे, लोग रिश्वत लेना बंद कर दिए, मतलब उस टाइम प्रतिबंध करवा दिया। कंपनी के जो कर्मचारी थे, तो निजी व्यापारी मतलब जो व्यापारी थे दुकान उकान लगाते थे, और भारतीय लोगों से इन लोग क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनको मतलब रिश्वत रिश्वत लेने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, और एक जो संस्था बनी कोर्ट ऑफ, जो दो संस्थाएं बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। तो
कंपनी का जो इसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी का जो शासन था बहुत काफ़ी मजबूत हो गया, मतलब नियंत्रण में सशक्त हो गया। और अब इनमें जो नागरिक और जो राजस्व और सैन्य अधिकारी थी वो पूरा आपका किसमें आ गया, राजस्व सैन्य और क्या क्या बोल रहा हूँ, राजस्व सैन्य और मामले जो थे ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ गए। किसके अधीन आ गए, ब्रिटिश सरकार के अधीन, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1784 आते हैं, ईस्ट इंडिया एक्ट जिसको बोला जाता है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। अब इसको बेसिकली लाया क्यों गया, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या थी, काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, इनमें बहुत सारे कमी पाए जाते थे। तो इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए या इसको सुधार करने के लिए इसको लाया गया और संशोधित अधिनियम एक विधेयक मतलब प्रस्तुत किया गया, अधिनियम 1781 में पारित किया गया, जिसको जो इसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट एक्ट एक लाया गया 1781 में। इसके बाद ही ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया है ना, एक भी अधिनियम लाया गया संशोधित अधिनियम 1781 रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट शामिल हुआ, इसमें अधिनियम की विशेषताएँ इसमें। तो इस अधिनियम की विशेषताएँ क्या थी, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट की विशेषताएँ देखते हैं इसमें क्या था। इनमें इनमें था जो विशेष मौखिक मतलब मुख्यतः रूप से जो कंपनी जो चला रही थी उस टाइम कंपनी का शासन था, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया गया। तो राजनीतिक और व्यापारिक जो वाणिज्यिक बोला जाता है व्यापारिक कार्य को क्या क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, मतलब व्यापारी लोग अलग कार्य करेंगे, राजनीतिक का प्रशासन अलग चलेगा। तो उनके कार्य क्षेत्र को बांट दिया और अलग अलग कर दिया इनके तहत। अब इसमें एक नियंत्रण बोर्ड का जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रबंधन के लिए मतलब एक निकाय का गठन किया इसी टाइमिंग में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मतलब नियंत्रण बोर्ड का एक निकाय का गठन किया गया इसी टाइमिंग में। द्वैत शासन की व्यवस्था शुभारंभ किया गया, जो द्वैत शासन आपका दोहरा शासन आप जिसको बोला जाता है उसकी व्यवस्था का शुरुआत हुई कहाँ से, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट में। तो राजनीतिक मामले तो इसमें जो व्यापारिक मामले तो जो था इसमें क्या किया गया, सभी चीज अधिकार इसमें नहीं दिए गए। मंडल को जो निदेशक मंडल थे उसको, कंपनी के जो डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों की अनुमति दे दी उसने। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थे क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी थी उसको क्या किया गया, निदेशक वाला उसको व्यापारिक मामले दे दिए हैं। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण बोर्ड को जो प्रबंधन का निकाय एक नया गठन किया गया, और इनमें क्या हो गया, अब दोहरा शासन चलने लगा, द्वैत शासन जिसको बोला जाता है शुभारम्भ हुआ। इसमें जो नियंत्रण बोर्ड की शक्ति थी है ना, तो नियंत्रण बोर्ड जो बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें नागरिक और सैन्य सरकार, नागरिक जो भारत के नागरिक सभी नागरिक, और सैन्य सरकार जो भी सेना सरकार थी सैन्य जो सैनिकोनिक थे, और राजा का पूरा अध्यक्ष कौन तो बन गया आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके नियंत्रण में हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में आ गए। चलिए फिर आगे बताता हूँ इसका और कुछ इसके विशेष। तो इसमें और एक बदलाव हुआ, इसमें जो दो कारणों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें जो था इसमें जो पहली बार इसमें क्या किया गया, जो भारत में जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, कंपनी जो बंगाल बिहार और उड़ीसा क्षेत्र थे उस टाइमिंग में, और भी मतलब वो होने वाले थे, मतलब इसके बाद होगा अभी तो नहीं बोल सकता हूँ अभी। तो इसमें क्या, जो ब्रिटिश इसमें अधिपत्य जो ब्रिटिश सरकार के अधिपत्य क्षेत्र में कहा गया उसको, मतलब उसका नाम दे दिया ब्रिटिश क्षेत्र है, मतलब ऐसे बोला गया, जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश क्षेत्र मतलब अंग्रेजों का क्षेत्र बोला जाने लगा। और ब्रिटिश सरकार को जो कंपनी के जितने भी कार्य थे है ना उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया।
तो कंपनी के जो कार्य करे थे, जिस जिस क्षेत्र में कार्य करे थे, या उसके प्रशासन पर क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार को क्या हो गया, पूर्ण पूरा नियंत्रण हो गया पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चार्टर एक्ट अधिनियम आता है 1833 का, चार्टर अधिनियम। ये बोलता क्या है इसको देखते हैं। इसमें 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 भी सुधार किया गया। चार्टर एक्ट चार थे, है ना। इसके बाद 33 के बाद 18 में भी है, सॉरी 1813 भी एक चार्टर एक्ट है। 1813 भी एक चार्टर एक्ट है, 1813 है, 1833, 1853, और एक 1800, ये पहला है, 1700 आपका 93 अमेरिका। तो इनमें ज़्यादा विकास विकास नहीं हुआ इसका। चार्टर एक 13 में आपका ज़्यादा भी, उसको पहले उसमें वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें का 13 है, 13 ये पहले बता चुका हूँ, इसमें का जो हिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ा रहा था उसमें का। अभी 1793 से फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, 20-20 साल का अंतर है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डायरेक्ट, क्योंकि तो इसमें ही थोड़ा हमारा संविधान के विकास से संबंधित सुधार जो किए उसको लेकर चल रहे हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संवैधानिक विकास करें ना तो उसमें हम लोग का ये काम आएंगे। तो चलते हैं, बाद में जब होगा ना इसको अलग से और बना दूंगा, 1813, 93, 53, इनको। तो चलिए इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है इसमें। 1833 का चार्टर अधिनियम, क्या अधिनियम, चार्टर अधिनियम। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनमें है क्या, जो क्या क्या खास थे, इनमें क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या संवैधानिक विकास किए इनके द्वारा। अब इनके टाइम में क्या, ब्रिटिश जो भारत के केंद्रीकरण की दिशा में क्या हुआ, इसमें प्रयास हुआ। अब ब्रिटिश जो भारत थे, है ना, जो ब्रिटिश अंग्रेजों का जब भारत का जो केंद्रीकरण की दिशा में उन लोगों ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज मतलब करने की कोशिश की, मतलब एक बिंदु के रूप में मतलब प्रशासन चलने के, मतलब जैसे कि अभी वर्तमान में चलता है केंद्र, आपका केंद्र दिल्ली में है ना, तो उसी प्रकार आपका दिल्ली से है जैसे प्रशासन चलता है, उसी प्रकार ही प्रशासन मतलब हो करके इसमें कदम बढ़ाया गया, इस अधिनियम को लाया गया। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी इसमें, इसको बताता हूँ। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अभी देखिए यहाँ बताया था इसमें, ये गवर्नर जनरल बन गया रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना। फिर यही गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा था, बाद में ये भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। इसमें क्या बोला गया, 33 में ये जो गवर्नर गवर्नर जनरल ये बंगाल का था, इसको भारत कर दिया, यहाँ पर नाम परिवर्तन करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, ये सुधार इसमें किए गए। इस अधिनियम की अब विशेषताएं क्या थी, वही बता दिया। इसमें अब कार्य क्या हुआ, कार्य जो इसमें हुआ, अब इनमें क्या हुआ, देखिए भारत के गवर्नर जनरल में इसमें अब सभी जो शक्तियां थी, नागरिक सभी नागरिक जो भारत के जितने नागरिक थे और सैन्य शक्तियां इसमें निहित होगी, इन्हीं में निहित थी। मतलब जो आपका भारत का गवर्नर जनरल जब बना ना, उसी टाइमिंग में ही इनका क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, मैं जब भारत इसमें जब विकास हुआ जो सॉरी जब ये बना ना अधिनियम, तो नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ किसके अधीन में आ गई, डायरेक्ट भारत के जो गवर्नर उसी के अधीन में थी। तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन भारत जब बोला गया ना तो इसमें और भी मजबूती मिल गई हम लोग। इसी अभी अधिनियम में क्या, जो संपूर्ण जो भारतीय क्षेत्र का संपूर्ण नियंत्रण था, पूर्ण नियंत्रण आ गया, ब्रिटिश जो कब्जे वाले जो संपूर्ण भारत के भारतीय क्षेत्र पर क्या हुआ, पूर्ण नियंत्रण था। इस अधिनियम के तहत जो
आया, मतलब पूर्ण नियंत्रण में आ गया, मतलब जो जो मतलब ब्रिटिशों के संबंध, मतलब जो ब्रिटिशक लोग चला रहे थे, जो कंपनी चला रही थी, वो डाय पूरा ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया पूरा क्षेत्र, जो जो मतलब वो शासन प्रशासन चल रहे थे उनका। और प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे भारत के, तो विलियम बेंटिंग, इसको याद रखिए, बेंटिंग जी आपका क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोले, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे, अलग अलग है। बंगाल के गवर्नर जनरल बोलेंगे तो आपका कौन है, आपका जो मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रेगुलेटिंग एक्ट लाया वायन हेस्टिंग ने, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाया, वायन हेस्टिंग। तो वायन हेस्टिंग आपका गवर्नर जनरल बंगाल के, इसको याद रखिए। और अभी जो बता रहा हूँ इसमें का जो चार्टर एक्ट में आपका 1833 में क्या हो, भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया, नाम को परिवर्तित कर दिया। अब इसमें क्या हुआ देखें, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर को क्या किया गया, जो विधायिका के संबंधी क्या शक्तियाँ से हटा दिया गया उसको, जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर को, जो मद्रास थे, चेन्नई और बम्बई, इन लोग क्या कि दोनों को जो विधायी शक्तियाँ प्राप्त थी, गवर्नर को विधायी शक्ति मतलब जो कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी उसको हटा दिया गया। अब डायरेक्ट सीधा कानून की शक्ति किनके पास था, केंद्र के पास था, मतलब बंगाल वाले क्षेत्र जो जिसको भारत के गवर्नर जनरल बोला जाता था, तो उन्हीं के पास अधिकार दे दिया गया। तो ब्रिटिश जो जो भारत के गवर्नर जनरल के पास असीमित अधिकार आ गए, कर दिए गए, इनके तहत चेंज हुआ। अब इनको जो कानून जो बना इसको नियामक कानून कहा गया, क्या बोला गया, नियामक कानून उस टाइम में कहा जाता था। अब पहले जो कानून के तहत जो बना कानून का जो उसको कोई भी नियम बनता था, अब उसको अधिनियम बोला जाता था, एक्ट या अधिनियम बोला जाता था। जो कानून बनता था ना, अब उसको अधिनियम, जो अभी वर्तमान में हम लोग अधिनियम इस्तेमाल करते हैं शब्द जो है, उसी टाइम में उसको ही बोला जाता था। अब इसमें जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो काम कर रही थी, निकाय के रूप में काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय, अब उसको समाप्त कर दिया। इसके तहत जो भी गतिविधियाँ होती थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1833 के तहत समाप्त कर दिया। अब इन लोग क्या करते थे, इसमें जो व्यापारी को हटा दिया, और चुपचाप इन लोग क्या कर रहे थे उस टाइमिंग में, प्रशासन का कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जो कंपनी जो चला रही थी, अब इन लोग प्रशासन चला रहे थे, जैसे कि अधिकारी जो वर्तमान में चलाते हैं, जो कलेक्टर जिला कलेक्टर को जाता है, उसी टाइप प्रशासन मतलब चलाने लगे। अब जो कंपनी के जो अधिकार थे इसमें, जो ब्रिटिश राज शाही के अंतर्गत कब्जे में पूरी तरह से आ गया, ठीक है। अब इसी टाइमिंग में 1833 में क्या हुआ, जो सिविल सेवक थे, जो आपका लोक प्रशासन में आपका जो सरकारी सरकारी जो कर्मचारी जो जो एग्जाम दिलाकर जो सिविल सेवक बनते हैं, उनके खुली प्रतियोगिता, जो अभी जो वर्तमान में जो प्रतियोगिता होती है, उसी टाइप का वो प्रतियोगिता मतलब चालू कहाँ से हुआ, 1833 से ही चालू है, जिसके तहत जो कंपनी में क्या किया, भारतीय को किसी पद पर मतलब रोजगार का वंच मतलब जो रोजगार करने दिया जाता था, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए उस टाइमिंग में समझ जाइए कंपनी के अंतर्गत मतलब प्रशासन में मतलब जाने के लिए मतलब प्रतियोगिता से भारतीय लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता था, इसमें अधिकार दे दिया गया। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, आपका निदेशक था, उसके तहत लेकिन बोला गया, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं है, क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया 1833 हो गया, 1800 क्या बज गया, 53 बज गया। तो इसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी देखिए, इसमें विशेषताएं में क्या क्या थी इनको बारे में मैं बताता हूँ। इसमें यह अधिनियम है, यह अधिनियम था 1853 का। अब इनमें क्या मतलब, मैं उसी को बता रहा हूँ इसमें जिसमें संवैधानिक विकास हुआ, किसमें बता रहा थी, संवैधानिक विकास जो भी सब हुए हैं उन्हीं उन्हीं को टॉपिक को ले रहा हूँ, जो आप बुक में भी आप किसी के बुक से जो अच्छे ऑथेंटिक बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो 1797 से 1853 के दौरान जो भी मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए,
जो 1793 से जो चार्टर एक्ट चल रहा था, 93, 88, 13, 88, 33, 88, 53 तक, तो ये लास्ट था उसका सीरीज का, जो चार्टर एक्ट का ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किए गए थे। ये कहाँ से पारित हुआ था, बोलने मतलब ये है जो अंग्रेजों द्वारा जो संसद, जो लंदन के संसद से पारित हुआ, मतलब वहाँ से पारित होता था, ब्रिटेन से, ब्रिटिश लोगों द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश लोगों द्वारा पारित होता था। तो संसद द्वारा ये जब हुआ, ये ब्रिटिश का आप देखिए पारित होता था, तो ये लास्ट था समझिए। तो इसमें जो विकास की दृष्टि से आप देखें, संवैधानिक विकास की दृष्टि से हमको मेन है इसमें संवैधानिक विकास पढ़ना है, वही पढ़ रहे हैं, फालतू का इसमें नहीं है। इसमें संवैधानिक विकास में क्या क्या परिवर्तन हुए इसको जानेंगे। तो इनके विशेषताएं इसमें है दी गई है, इसमें मतलब बता रहा हूँ बोल के। अब इनमें वही मैं क्या बोला, इस अधिनियम के तहत पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो है ना, इसमें जो गवर्नर जनरल भारत के जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, तो विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। जो परिषद के जो विधायी परिषद के जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, जो कार्यालय था, उसमें जो मतलब क्या है परिषद को क्या बोलते हैं, काउंसिल था, तो उस काउंसिल में क्या किया, विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। इसके तहत जो इसी परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। पार्षद मतलब सदस्य समझ जाइए, परिषद में काम करने के लिए 6 नए पार्षद इसी में जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया है। मतलब विधान का एक सदस्य जोड़े गए, 6 सदस्य और जोड़े गए एक्स्ट्रा। किसके तहत, इसमें जो आपका परिषद में 6 नए सदस्य, विधायी और जो कानून बनाती है उसको अलग कर दिया, प्रशासन जो प्रशासन चलाती है, जो आप एक अभी प्रशासन जो चलाते हैं, जो अभी जो आपका जिला लेवल में प्रशासन चलता है ना, जो जो वो अलग चीज़ है, और जो कानून बनाता है वो अलग है, अलग व्यक्ति है। तो इन दोनों को अलग अलग करके बांट दिया, जो गवर्नर ने ही बांट दिया, गवर्नर की परिषद से ही बढ़ गया, जो मतलब केंद्र का था समझ जाइए उस टाइमिंग का, वहीं से परिवर्तन हो चुका था जिसको, और इसमें 6 सदस्यों को और शामिल कर दिया। 6 सदस्यों को शामिल करके एक विधान परिषद का गठन कर दिया, ये है मेन मुद्दा। केंद्रीय रूप से विधान परिषद का, केंद्रीय स्तर पर एक विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अब इन्हीं लोग को क्या किया, भारतीय विधान परिषद कहा गया। क्या किया गया इसको, भारतीय विधान परिषद कहा गया। अब इस परिषद ने क्या किया था, अब वो तो संसद ऊपर था ब्रिटेन में है ना, तो यहाँ जो था इसमें जो संसद जो था इसमें क्या कर रहा था, मतलब छोटी संसद के रूप में कार्य करता था, एक छोटे रूप में आपका भारत का जो संसद था, मतलब जो आपका विधान परिषद जिसको बोला जाता था, छोटे रूप में अपनाई जाती थी, इनमें काम उम होता था। तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अपनाई जाती थी यह प्रक्रिया जो, उसको यहाँ अपनाया जाता था इसमें। तो इस प्रकार जो इसमें विधायिका का जो है ना, इसमें और भी बदलाव हुए थे इसमें, जैसे कि मेरे ख्याल से विधायिका का जो पहली बार सरकार चुना, विशेष सरकार के रूप में मतलब जाना गया भारत सरकार है ना, विधायिका को मतलब एक अंग दिया गया, जो भारत का जो सरकार जो बना, मतलब भारत परिषद बना, जो विधायिका परिषद बनी, उसको विधायिका को विशेष अंग के रूप में माना गया, मतलब प्रशासन चलाने के लिए किसी भी सरकार के लिए विशेष अंग माना गया, कानून बनाने के लिए एक विधायिका जो भी था। तो विशेष इसी मतलब चेंज, परिवर्तन जरूरी था उस टाइम में, इसलिए परिवर्तन किया गया है ना। अब जो सिविल सेवा की भर्ती थी और चयन हेतु जो खुली प्रतिवर्ती व्यवस्था है उसका शुरुआत हुई। इसके पहले जो सिविल सेवा जो थी वो शुरुआत बात हुई चली थी, लेकिन ना उसका वो नहीं आया था, क्या बोलते हैं इसको, मतलब भारतीयों का जो मतलब उसमें पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। ये 53 में मतलब ना इसको खुली प्रतियोगिता मतलब शुरुआत हुई, उसमें भले घोषणा के रूप में आप समझ सकते, घोषणा हुई, निर्णय लिया ऐसा करके, लेकिन 20 साल बाद इसका चालू हुआ, या फिर उसको मैं मेरे ख्याल से अभी याद नहीं आया, लेकिन जो सिविल सेवा थी उसको जो ओपन जो किया गया था, सिविल सेवा का जो आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन
जो रोजगार हासिल करने से वंचित है इसमें बोला गया था, लेकिन नहीं, इसको जो मैं बता रहा था इसमें कोर्ट ऑफ बैरिस्टर के द्वारा इसको विरोध करने के बाद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब 1853 में जब हुआ इसको पुनः मतलब इसको शुरुआत किया गया। तो 1853 ये हुआ, और 1853-54 में ही आपका मैकाले समिति की एक नियुक्ति की है जो कानून से संबंधित है। मैकाले समिति कानून से, भारतीय सिविल सेवा के कानून से संबंधित है। तो इसमें जो भारतीय जो नागरिकों को क्या किया, पहले भारतीयों को नहीं शामिल किया जाता था सिविल सेवा में, जो अंग्रेजों लोग को ही मतलब वो पेपर दिलाते थे और उनको शामिल किया जाता, बाद में इसको भारतीयों लोग के लिए मतलब इसमें शामिल किया गया, पहले नहीं था इसमें। 1853 में स्टार्ट किया, 1833 में अंग्रेज 20 साल तक लगभग अंग्रेजों ने किया, बाद में फिर इसको इनने किया आपका जो भारतीयों को शामिल किया 1853-54 में। अब इसमें कंपनी के शासन को भी विस्तारित कर दिया, बढ़ाया गया कंपनी के जो शासन था उसको क्षेत्र को बढ़ा दिया, और जो तो लेकिन नहीं, इसमें जो एक चीज इसमें निश्चित रूप से निर्धारण नहीं था, नहीं किया गया था कि जो संसद द्वारा जो कंपनी का जो शासन समय समाप्त किया जा सकता था, इसका कोई गारंटी नहीं था। मतलब संसद द्वारा जो कंपनी के शासन समय स्पष्ट नहीं था कि जो कंपनी का शासन कब तक चलेगा और क्या होगा, उसका कुछ स्पष्ट नहीं था। कंपनी के शासन को मतलब कब समाप्त होंगे कोई स्पष्ट नहीं था, कभी मतलब समाप्त कर दिया मतलब दे सकते थे, ऐसा कोई लिखित तौर पर कहीं पर नहीं था। अब इसी में जो केंद्रीय जो विधान परिषद तो बंद हो गया है ना, अब इसमें क्या किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, मतलब प्रारंभ किया गया, जो स्थानीय जो व्यक्ति थे उनको चुनने का मतलब उनका मतलब जो निर्णय सॉरी इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रारंभ किया, शुरुआत की गई। अब इसमें जो गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने था। अब इसमें जो 6 सदस्य जो ऐड करने थे उनको एक्स्ट्रा जो प्रतिनिधित्व जो चुनने थे, जो भारतीय भारतीय भी हो सकते थे या अंग्रेज भी हो सकते थे, वैसा नहीं था, लेकिन भारतीयों को अधिकतर इसमें मौका दिया गया। इसमें तो 4 के चुनाव में बंगाल से चुना गया, एक मद्रास और बम्बई से 3 और एक आगरा। तो प्रत्येक प्रांत से आपका एक एक सर एक एक व्यक्ति का सदस्य का नाम चुना जाना था। तो यही विकास हुआ इसमें है ना। तो इसके बाद फिर अब ताज का शासन हुआ। तो चलिए ये हो चुका है आपका कंप्लीट, देख लीजिए इसका ओवरव्यू मैं इसका दे देता हूँ, इसमें कहाँ से चालू हुआ। बाकी आप लोग इसमें राइटिंग आप कर सकते हैं, मैं जो बता दूँ इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा एक्स्ट्रा, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। चलिए।